हाँ तो गैस, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूट्यूब के ऑफिशियल जो ऐप है, यूट्यूब ऐप जो है उस पर 5 मिनट टॉक के फीचर आए हैं। अगर आप उस ऐप के फीचर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस फीचर के बारे में, क्या कौन कौन से फीचर है। पाँच फीचर जो है आए हैं, बहुत टॉप टॉप फीचर है उसमें से आपको कुछ अच्छे फीचर भी लगेंगे, कुछ अच्छे नहीं भी लगेंगे। तो गाइस, अगर आप इस फीचर के बारे में नहीं जानते तो वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि पहला फीचर यहाँ पे है, आपको ऊपर टॉप पर यूट्यूब का जो आइकन बना है, यहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको नीचे शॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा। शॉर्ट का ऑप्शन ये टॉप पर आ गया है, जो कि ऑप्शन पहले यहाँ पे आपको शॉर्ट का ऑप्शन, यहाँ पे ये जो शॉर्ट वीडियो आता था, शॉर्ट वीडियो को यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप शॉर्ट वीडियो चले जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरा शॉर्ट वीडियो मिलेगा। और जैसा कि देखते हैं दोस्तों, और ये शॉर्ट वीडियो को पहले जो टॉप पर आ रहा है वो सेंटर, पहले यहाँ पे कहीं आता रहा, सेंटर पर आता रहा। ठीक है दोस्तों, ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है। जैसे कि हम कोई वीडियो प्ले करते हैं, कोई वीडियो प्ले करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा अपडेट है। पहले ये मैं इसकी ऐड हो जाता तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से अपडेट आए हैं। जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ऑटो प्ले का ऑप्शन आता रहा, सब्सक्राइब जो बटन दिया हुआ है उसके जस्ट नीचे ऑटो प्ले बटन का ऑप्शन आता रहा। ये ऑटो प्ले बटन यहाँ से उठकर ऊपर आ गया, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑटो प्ले का यहाँ ऑप्शन आ गया है। यहाँ ऑटो प्ले ऑन करेंगे तो इस यूट्यूब का वीडियो जो है उसके नेक्स्ट वीडियो जो नीचे रहेगा वो प्ले होने लगेगा। जैसा कि इसी का वीडियो हम लोग देख रहे हैं, 37 की वीडियो देख रहे हैं, इसका वीडियो लोग प्ले करेंगे ऑटो प्ले ऑन करके, तो इस वीडियो एंड होने के बाद इसका वीडियो प्ले होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैं ऑटो प्ले ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, ये दिया हुआ है यहाँ पे सब टाइटल, यहाँ पे जो पहले यहाँ पे 3 बटन आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, वीडियो के टॉप पर 3 बटन दिख रहा होगा, सब टाइटल बटन यहाँ पे आता रहा। ठीक है दोस्तों, लेकिन सब टाइटल बटन यहाँ पे आ गया, सीसी बटन यहाँ पे, इसे नॉर्मली बात करते हैं, कैप्शन क्रिएचर कुछ नाम इसी रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इसे नॉर्मली लैंग्वेज हम लोग कहेंगे सब टाइटल अगर हम ऑन कर देंगे, अगर मान लीजिए मेरा वीडियो हिंदी में, मैं हिंदी में पूरा अपने वीडियो पूरा बनाया हूँ, अगर सब टाइटल कोई से ऑन कर देता है तो ये पूरा टेक्स्ट इंग्लिश में हो जाएगा, ये पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, ये 3 ऐप्स अपडेट हो गए हैं। चौथा ऐप्स अपडेट आपको यहाँ मिलेगा बेड टाइमिंग यहाँ करके आपको एक अपडेट मिलेगा, जो कि अब अलार्म टाइप का है। ज़्यादा आप यूज करते हैं अगर यूट्यूब ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बेड टाइमिंग ऑन कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगा बेड टाइमिंग क्या है, और उस वहाँ पे आपको वीडियो यूट्यूब क्लोज करने को बोलेगा वहाँ पे आपको। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड, पांचवा और सबसे मस्त जो ऐप जो अपडेट आया है, इस जो फीचर में आया है वो गेस्चर है। गेस्चर अगर फ्रेंड आप लोगों नहीं मानोगे तो गेस्चर इसमें जो जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं उस सभी फ़ोन में गेस्चर दिया जाता है। जैसे कि हम स्वाइप करते हैं, स्वाइप करने वाला अब सिस्टम आ गया हर स्क्रीन में। जैसे कि हम स्वाइप करते हैं तो कहीं पहुँच जाते हैं, मेरे में फिलहाल तो गेस्चर का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ये यूट्यूब वीडियो अगर आप प्ले करेंगे तो वहाँ पर गेस्चर ऑप्शन दिया है। जो पहले हम अपने मोबाइल रोटेट करते रहे तो हमारा फुल स्क्रीन होता रहा, लेकिन अब ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया है। आपको यहाँ पे सिर्फ आपको स्वाइप अप करना है, वीडियो प्ले करेंगे उसके बाद स्वाइप अप कर देंगे तो हमारा स्क्रीन फुल हो जाएगा। जैसा देख रहे हैं हमारा स्क्रीन फुल हो गया है, और ये स्वाइप अप करने के बाद ये हुआ है, और स्वाइप डाउन कर देंगे तो हमारा स्क्रीन लेट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जैसा देख रहे हैं दोस्तों आप, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा है गेस्चर का,
गैस्चर, क्योंकि हर मोबाइल में आ रहा है, इसी तरह यूट्यूब में भी दे दिया है। हमें कोई रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अपने मोबाइल को, सिर्फ ऊपर स्वाइप डाउन करना है, स्वाइप अप करना है और फुल स्क्रीन के लिए स्वाइप डाउन करना है और लेट स्क्रीन के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट करना ना भूलें। गाइस टेक केयर, लव यू।